उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से लगा हुआ कला गांव का स्थापना किया गया है। कला गांव में लोग जाते हैं, उसके बाद अपनी गांव को महसूस करते हैं, याद करते हैं। जब मैं छोटी थी तो जाता में पीस करके माँ हमें रोटी खिलाती थी, लेकिन आज वो रोटी नहीं मिलता है। और ये सब दृश्य मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और इतने बड़े शहर में रहने के बाद स्वदेशी चीज़ों को इकट्ठा करके जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें स्वदेशी भोजन कराकर वापस भेजा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री धर्मेंद्र जी से मुलाकात हुई, उनकी जो पत्नी है नीता जी, उनका भी अहम भूमिका है। इन दोनों ने मिलकर कला गांव को जिस तरह से बसाया है, अपनी लोक कला संस्कृति को बचाने का दृश्य वहां दिखा रहे हैं। कला गांव बनाने का उद्देश्य और समय तो इसका है कि करीब 2006 में ये बना, ये इस उद्देश्य को लेकर बना कि जो यहाँ की लोक संस्कृति और परंपराएं हैं, लोक कलाएं हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही है। यानी उसका स्थान कोई और नई संस्कृति ले रही है। विलुप्त होती कलाओं को बचाने के उद्देश्य ये बनाया गया था और साथ में इसको पर्यटन से भी जोड़ा गया था। चावल भी यहाँ की जो है, जो घर की बहू बेटियाँ बहनें बनाती हैं वो उसमें गुनगुनाती हैं, वो मात्र चावल ही नहीं है, उनकी उसमें गुनगुनाहट है। इन चीज़ों को महसूस करने के लिए ये एक महसूस करवाना या सामने रखना कि हमारी संस्कृति ऐसी भी है जिसे एक रिदम ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। आज के भागम भाग के दौर पर पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, स्वदेशी किसी भी चीज में नहीं होती है। इसे बचाने के लिए एवं लोक संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए एक प्रयास है। मैं नीता जी को और धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देती हूँ, आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।